हमने सबने सुना टाइटैनिक के बारे में, राइट? टाइटैनिक के बारे में हम जानते हैं, हाँ, हाथ उठाए, ओके। टाइटैनिक के अंदर जाने के लिए एक व्यक्ति ने सुना कि टाइटैनिक अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पहला पानी जहाज जो बनाया गया, और वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा था उस समय में। तब उस टाइटैनिक के अंदर सफर करने के लिए किसान जिसका नाम स्कॉट था, स्कॉट जो किसान था, खेती बाड़ी किया करता था, उसके 5 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी। तब स्कॉट की बहुत विचार थी, उसकी इच्छा थी, उसकी चाह थी कि मैं टाइटैनिक के ऊपर सवार होकर के मैं इस यात्रा को मैं कर जाऊं। बहुत ही उसका बहुत ही दिल तमन्ना थी कि मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे टाइटैनिक के अंदर बैठ करके यात्रा करें और पूरे कटा घूम करके वो आए। इसलिए जो कुछ भी उसका जमा कुंजी था वो बैंक में जो भी बैलेंस था, क्योंकि टाइटैनिक जो था उस समय का बड़ा जहाज था, बड़े बड़े रईस लोग उसमें यात्रा करने जा रहे थे, कोई साधारण लोग का यात्रा करने का वो समय नहीं था। परंतु कितने बहुत सारा पैसा होने के कारण ये जो कुछ भी था सब निकाल के लगा दिया और उसने 7 टिकट खरीदा। कितने? 7 टिकट खरीदे, 5 बच्चों का और अपनी पत्नी का और अपने खुद का, 7 टिकट खरीदा उसने। और बहुत एक्साइटेड था वो, बड़ा आनंदित था, हम टाइटैनिक में सफर करने जा रहे, हम टाइटैनिक जहाज में सफर करने जा रहे, बड़ी आनंदित था वो, मग्न था वो। समय आता गया। जब यात्रा करने का जब 5 दिन बचा था तो उसके छोटे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, और जब कुत्ते ने काट लिया तब वो लड़का बीमार हो गया, और जब बीमार पड़ने लगा दवाइयां ला, इंजेक्शन ला उसको, और बच्चा बीमारी हालत में पड़ा रहा। तब उनकी पत्नी, स्कॉट की पत्नी ने कहा कि जी इस यात्रा में हम और मैं और मेरे छोटे बच्चे अब नहीं आ पाएंगे, आप 4 बच्चों के साथ इस यात्रा में आप जाओ। अभी सवाल था कि स्कॉट के लिए कि वो क्या करे, वो उन दोनों को भी नहीं छोड़ना चाहता था, फिर भी समय करीब आया और फिर उसने निर्णय लिया। कल कुछ 1-2 दिन बचे हुए थे तो उसने निर्णय लिया, बच्चे कुछ बीमारी हालात में छोड़कर जाने को मन नहीं करता, इस कारण से हम इस यात्रा को रद्द करते हैं। तब वह सवाल था, इतना बड़ा रकम जमा पूंजी सब उसने लगा दिया, परंतु वो नॉन रिफंडेबल था, वो पैसा वापस नहीं हुआ। स्कॉट बहुत निराश हो गया, स्कॉट बहुत टूट सा गया, और निराशा की हालत में जिस दिन टाइटैनिक हो गता है, जब वो यात्रा करने पता समुद्र के तट पर आया और आंसुओं के साथ वो रो रहा था, और देख करके वो बहुत ही ज्यादा वो निराश था, मेरा पैसा चला गया, मेरे सपना अधूरा हो गया और घर को चला गया निराशाओं के हालात में। और टाइटैनिक जब यात्रा भरा उसके 5 दिन के बाद पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल गया, टाइटैनिक जहाज पानी के, समुद्र के पानी में डूब गया है, और इसमें के सवार कुछ लोग बचे, बाकी सब के सब मर गए। तब ये दोनों पति और पत्नी कुत्ते के पास, उनका पालतू कुत्ता था, वो दौड़े, उस कुत्ते को अपने हाथ में लिया, अपने गले लगाया और उसको चूम चूम कर उसको प्यार करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, कहा थैंक यू, कुत्ते को कहा थैंक यू, क्योंकि मेरे बच्चे को काटा, इस कारण से हम उस टाइटैनिक सफर करने नहीं पाए, यदि हम सफर करते तो आज शायद हम यहाँ पर नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। मालूम खुदा परमेश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है। हालेलुया, वो जो भी करता है अच्छा करता है। आमेन।